सही कहती है भयंकर परी, ये दोनों एक नंबर के बेवकूफ हैं। अभी तक एक भी बच्चा पकड़ कर नहीं लाया मेरे पास। अगर इस बार ये दोनों बच्चों को ढूंढने में नाकामयाब रहे तो मैं तौबा तौबा और गोबा गोबा को हमेशा के लिए छोटा करके पृथ्वी लोक पर छोड़ दूंगी। वो आ गया मैं छल परे तुम्हारी उम्मीदों पे पानी फेरने। क्या कहा तुमने तौबा तौबा? मेरा मतलब कि नहीं होने देंगे हम आपको कामयाब, हमें छोटा बनाने में। क्या ने तुम बच्चों को पकड़ के ले आए? वो देखिए गोबा गोबा दिख रहा है आपको? दगड़ दूं। उसके हाथों में बच्चे। हाँ देख रहे हैं। शाबाश गोबा गोबा, शाबाश ताबा ताबा। मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ कि तुम इन बच्चों को ब्रह्मरंग की सीमा रेखा पार करने से पहले ही मेरे पास ले आए। ब्रह्मरंग की सीमा रेखा? अरे कहा था आपने, तो कैसे करने देते उन बच्चों को ब्रह्मरंग की सीमा रेखा को पार? अच्छा किया, क्योंकि अगर ये बच्चे ब्रह्मरंग की सीमा रेखा पार कर जाते तो बालवीरी ने सुन भी पाता और देख भी पाता, फिर उसका जादू जो सीमा रेखा में बेअसर था वो भी असर कर जाता। अच्छा तो नटखट परी का संदेश सही था, इसी वजह से मुझे छोटे हुए बच्चे ना दिखाई दे रहे थे और ना ही उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। तो अब मुझे सबसे पहले इस ब्रह्म रंग की सीमा रेखा को मिटाना होगा ताकि मेरा जादू यहाँ पे काम कर सके। सोच क्या रहे हो ताबा ताबा? लाओ क्या बच्चे? अरे हाँ गोबा गोबा, ले आ उन मासूम छोटे से बच्चों को यहाँ। फिर आया। दगड़ दूं। लाओ, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, जल्दी उन बच्चों को मेरे पास लेकर आओ। मेरी बड़ी इच्छा है उन बच्चों को अपने हाथों से मसलने की। छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे। आराम से गोबा गोबा। सही समय आने दो छल परी, उसके बाद मैं तुम्हारे बुरे इरादों को मसलूंगा और तुम्हारे इस खेल का भी अंत करूंगा। मासूम प्यारे प्यारे बच्चे। लो कर लीजिए अपनी इच्छा पूरी। छल परी, मसलना इन बच्चों को अपने दोनों हाथों से। दोनों हाथों से? हाँ, ताकि भाग ना जाए बच्चे यहाँ से। और लाइए, दे दीजिए आपका ये जादू इधर मुझे दीजिए। हाँ, अब रहेगी आपको आसानी इन्हें मसलने में। आराम से। आखिर बज ही गया छल के जीत का संगीत, मिल ही गए मुझे बच्चे। अब मैं इन्हें मसल कर उनका अंत कर दूंगी। ये क्या मजाक है दावा दावा? तुम? हाँ मैं, और मैं भी, और हम यहाँ आए हैं तुम्हारे शैतानी खेल का अंत करने के लिए। अपनी अंतिम गड़िया गिनना शुरू कर दो छल परी। हम बाल बाल बच गए,
सब ठीक तो है ना? हाँ। नहीं मैं, हम पूरी तरीके से नहीं बचे। सामने से दो मुसीबतें और आ रही हैं। वो देखो। हमें काम करते, चुप जाना हुआ। मेहर, हम तो इस गाड़ी के पीछे छुप गए। लेकिन ये पहाड़ जैसे मोंटू कहाँ छुपेगा? बॉस ने टपली नहीं मारी। रोहित, बॉस ने तुझे टपली इसलिए नहीं मारी क्योंकि बॉस यहाँ है ही नहीं। हाँ, मोंटू कहाँ है? मोंटू बॉस कहाँ? मोंटू बॉस कहाँ है? मोंटू बॉस चलो जल्दी। वो देखो क्या खाना खाती। खा अरे पक्षी है वहां पर। पक्षी चलो बच्चों भाग कर जाओगे कहां तुम? महेश तुमको क्या बोलना है खत्म करो, उसके बाद मैं शांति से मूर्ति तोड़ूंगा। बोलो क्या कहना है शुक्ला? महेश शुक्ला, पहले आपस में तय करो कि तुमको क्या सोचना है क्या बोलना है, तब तक मैं मूर्ति तोड़ लेता हूँ। सर याद आया। बोलो क्या याद आया? गया याद आया सर, मुझे ये याद आया सर कि आप मूर्ति तोड़िए। वाह महेश वाह, अरे क्या तुम्हारी स्पिरिट है। I am proud of you. अरे सर ये सर क्या है सर, सिविली जैसे टाइम पास कर रहे। मूर्ति तोड़िए ना। हाँ। एक बार ये मूर्ति तोड़ दे उसके बाद मैं बॉस को सब सच बता दूंगा। तोड़िए बिंदास। हर हर गंगे। शुक्ला मेरे बापू जी बच गए। हाँ महेश, अब सच बताने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अब तो मूर्ति टूट गई। नहीं, चाहे जो हो हम बॉस को सब कुछ सच सच बता देंगे। आश, महेश मूर्ति टूट गई। हाँ सर, और उसके साथ एक झूठ भी। क्या? सर मैं आपको सच बताना चाहता हूँ बल्कि दिखाना चाहता हूँ। क्या? वो देखिए। बॉस तो उठ नहीं रहे, भागे यहाँ से। हाँ, इन्हें तो हम बाद में बचा लेंगे वरना हम पकड़े जाएंगे। चलो चलो भाग। नहीं, हम अपने किसी भी साथी को ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। चल पर, अब तुम क्या करोगी? अब तो तुम्हारा दंड भी मेरे पास, अब मैं तुम्हें तुम्हारे ही दंड से कड़ी सजा दूंगा। मुझे सजा देने से पहले तुम ये सोचो कि तुम उन छोटे छोटे बच्चों को कैसे बचाओगे। बेचारे छोटे छोटे बच्चे जो तुम्हें दिख भी नहीं रहे। अरे ध्यान से देखो बालवीर, हो सकता है वो बच्चे यहीं कहीं हो, या फिर हो सकता है कि वो बच्चे अब तक किसी के पांव के नीचे आ गए हो। ये मत भूलो बालवीर कि छल परी के सुरों को बांधना असंभव है, असंभव। बस इन्हें पकड़कर सीधा आसमान में उड़ जाएंगे। चल परे। भाग रही चल परी, लगता मुझे गया मिल बालवीर को चल परी के जादू का तोड़। पहले इसे बालवीर हमें पकड़ ले। क्या करे? तू रह यहाँ पर, मुझे जा रहा मैं। मोंटू प्लीज, मोंटू। अरे एक मिनट, वो तो अजीब से दिखने वाले लोग कहाँ गए? चलो अच्छी बात है वो चले गए। छल परी,
तुम चाहे जहां भी छुप जाओ, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे छल परी के जादुई डंड से छल परी की बनाई हुई भ्रम रंग की सीमा रेखा को मिटाना होगा। चलो डुबा डुबा एक चलो। मुझे फिर अब हम डरेंगे किससे? तुझे डरना है ना, चल मोंटू को अपने कंधे पे उठाकर उसका घर छोड़कर आ। चल जाना जा, 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 एक मिनट, मुझे डरना है, मरना नहीं है। अरे मोंटू बॉस उठो, बॉस उठ नहीं रहे, लगता है बॉस उठ गए। कितने अच्छे थे, अपने पैसे से हमें पिज्जा बर्गर खिलाते थे। मांडवास गुड मॉर्निंग, मैं कहाँ हूँ? अरे बॉस, आपको पता नहीं, आप चांद पे हो? ओ चांद पे हो तो जब हम सूरज पे जाएंगे ना तब उठा देना। अरे वो तो अजीब से दिखने वाले लोग तो फिर से हमारी तरफ आ रहे हैं। अरे बाप रे, वो तो हमें पकड़ लेंगे। भागो भागो भागो, चलो। हे छल परी के जादुई डंड, मिटा दो ब्रह्म रंग की सीमा को। तो बालवीर, तो अब चले उस छल परी को पकड़ने। नहीं डुबा डुबाई, छल परी खुद हमारे पास अपना जादुई डंड लेने आई। कि अभी मुझे सबसे पहले बच्चों की चिंता है, इसलिए हमें परीलोक जाकर पता लगाना होगा कि माँ को बच्चों को ठीक करने का इलाज मिला या नहीं। मैंने आपको नहीं तोड़ा, शुक्र ने तोड़ा, शुक्र ने तोड़ा। अरे बॉस, मैं भूत नहीं हूँ, मैं महेश का बापूजी हूँ। महेश का बापूजी? पर अमृतलाल जी, आप मूर्ति बनकर क्यों खड़े हैं? सर सर, मैं आपको बताता हूँ। सर हुआ यूं, तो मैं कब से अमृतलाल जी आपको मूर्ति समझ रहा था। इस गलती की वजह से अगर आप मुझे नौकरी से निकाल देना चाहें, निकाल सकते। नहीं महेश, तुमने सच कहने की हिम्मत की है। तुम चाहते तो अपनी नौकरी बचाने के लिए मुझसे सच छिपा सकते थे, पर नौकरी की परवाह किए बगैर तुमने मुझसे सच कहा, इसकी मैं दाद देता हूं। वैसे भी इस मूर्ति को तो एक ना एक दिन टूटना ही था, और भगवान हमेशा अच्छा काम अच्छे इंसान से कराता है। जो हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है, इसीलिए आई गिव यू प्रमोशन। अरे वाह, थैंक यू सर। सर मेरा प्रमोशन? शुक्ला, तुमने झूठ को प्रमोट किया ना, डिमोशन। पेरिस से फोन है। हेलो, हाँ क्या? अच्छा, ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे महेश, गुड न्यूज है, गुड न्यूज। क्या है सर? अरे पेरिस में किसी ने इस मूर्ति की तस्वीर देखकर 10 लाख रुपए में खरीदने की ऑफर की है। वाह सर वाह। क्या क्या वाह क्या वाह क्या, पेरिस क्या भेजेंगे? मूर्ति तो टूट गई है। महेश, मूर्ति टूट गई तो क्या हुआ, अमृतलाल जी है। वेरी गुड वेरी गुड बालवीर, तुमने बड़ा अकलमंदी से उस छल परी को उसी का हथियार छल से हरा दिया।
हाँ सांता क्लॉस, इसलिए तो हमारा बालवीर खास योद्धा है। हाँ सांता क्लॉस, हमारा बालवीर अकलमंद भी है और शक्तिशाली भी। और है मिटा दी बालवीर ने छल परे की भ्रम रंग की सीमा रेखा भी। यानी अब हमारा जादू वहां असर करेगा। हाँ विजदाद परी, और मैंने छल परी से उसका जादुई डंड भी छीन लिया है। अब वो बुराई के गीत नहीं गा पाएगी। शाबाश बालवीर। डुबा डुबा इस जादुई डंड की कड़ी सुरक्षा करना। जी बालवीर, रखूंगा मैं इस जादुई डंड को संभाल के। और बालवीर, मुझे तुम्हें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने बच्चों को फिर से बड़ा करने के लिए चॉकलेट्स बना ली है। अब जैसे ही बच्चे इन चॉकलेट्स को खाएंगे वो फिर से बड़े हो जाएंगे। तो मानते हो ना आप सब कि मैं मीठे हो। हाँ चॉकलेट अंकल, अब आपकी चॉकलेट से भी मीठे हो, और उससे भी मीठी खबर सुनाई है आपने। तो बालवीर, बच्चों के पास चॉकलेट पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू करें। हाँ हो, उसके लिए हम है ना चॉकलेट अंकल। आप आपका सब चॉकलेट हमको दे दो तो वो चॉकलेट हम बच्चा लोग तक पहुंचा देगा। थैंक यू चॉकलेट अंकल। तैयार हो बालवीर? हाँ हाँ जरूर सांता क्लॉस। बच्चा लोग, आप सब अपना फ्रेंड्स का गुम हो जाने की वजह से परेशान है ना? डोंट वरी, अब सबका चेहरा पर खुशी लाने के लिए हम कुछ लाया है। ये चॉकलेट। तुम्हारा फ्रेंड्स जैसा ये चॉकलेट खाएगा वैसा पहले की तरह एकदम नॉर्मल हो जाएगा। जो भी बच्चे छोटे हो गए हैं वो जल्द से जल्द मैदान के बीच में आ जाइए। देखा, मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर हम हिम्मत ना हारे तो फिर अच्छाई की ही जीत होती है। चलो जल्दी से ग्राउंड के बीचों बीच चलते हैं। हाँ। ये। ये। चलो देख लो, अब हम चारों तरफ चॉकलेट की बारिश करो। अच्छा हुआ बालवीर, ये सब बच्चा लोग एकदम नॉर्मल हो गया, वरना हमको तो लगा था ये क्रिसमस उनका लिए एक बुरा याद बन कर रह जाएगा। सांता क्लॉस, अब चिंता मत कीजिए, मैं अभी बच्चों की छोटी होने वाली सारी बुरी यादों को मिटा देता हूँ।
ताकि बच्चे अच्छे से और खुशी से ये क्रिसमस पार्टी मना सके। सैंटा क्लॉस, आप अब तक यही हैं? आप गए नहीं? हम इसलिए नहीं गया क्योंकि हमको एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट करना है। अनाउंसमेंट यह है कि आज रात को क्रिसमस पार्टी मनाने के लिए हम फिर से आ रहा है तुम्हारे साथ। तैयार हो जाओ शानदार और मजेदार क्रिसमस पार्टी के लिए। देखा मेरी चॉकलेट्स का कमाल? हाँ चॉकलेट अंकल, मैं मीठा हूँ। चलो तैयार हो क्रिसमस पार्टी के लिए। तो देर किस बात का, चलो क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। एक मिनट, सांता क्लॉस बालवीर कहाँ है? हाँ सांता क्लॉस, हम बालवीर के बिना एक क्रिसमस पार्टी नहीं मना सकते। You are right. What a Balvin! है नाच रहे गा रहे वहाँ सब, लेकिन नहीं नाचने मिल रहा मुझे, क्योंकि हेदी बालवीर ने मुझे इस छलपरी के जादुई दन को संभालने की जिम्मेदारी है। नहीं कोई बात, बस आ जाने दो बालवीर को, दूंगा उसे छलपरी का जादुई दन और मनाने जाऊंगा वो जश्न। लेकिन तब तक डुबा डुबाई रहना होगा तुम्हें संभाल के और होशियार। बम बम बोले मस्ती में जुमे। बेचारा डूबा डुबाई, कैसे बचेगा अकेले छल की बुराई की धुन के सामने। छल छल लल लल छल छल लल छल। बम बम बोले मस्ती में डोले। बम बम बोले मस्ती में डोले। बम बम बोले मस्ती में तू डोले। बम बम बोले। हाँ, बम बम चश्मा। आ रहे मुझे आवाज किसी बच्चे के रोने की है। लगता मुझे है कोई बच्चा मुसीबत में। मैं देखता अभी। अच्छा बेवकूफ डूबा डूबाई, कितनी आसानी से छल परी के छल राग में फंस गए। तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे ही छल का जवाब हम अपने छल से नहीं दे सकते? पर यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ। छल परी और है उसके हाथ में जादू दंड भी। कोपा कोपा चल परी की जय हो, चल परी की जय हो, चल परी की जय हो। वो कहीं कैसे करती है मुझसे? है ठीक, सुधारेगा ये मेरी गलती बालवीर। तुम लोग रुकना यहीं, अभी हूँ बुलाता बालवीर को।
लेकिन मुझसे कोई गलती नहीं होगी डुबा डुबाई। मैंने तो उसे छलपरी का जादू डन संभालने के लिए दिया था, कहीं छलपरी वापस तो नहीं आ गई अपना डन लेने के लिए। मैं अभी जाकर देखता हूँ। बालवीर, 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 बटू भाई संभाल के। बटू भाई तुम ठीक तो हो ना? हूँ मैं ठीक बालवीर, लेकिन आई थी वो छलपरी गोपा गोपा के साथ और करके मुझ पे आक्रमण, ले गई उसका जादुई दंड भी अपने साथ। करना माफ मुझे बालवीर, नहीं कर पाया मैं उसकी सुरक्षा। बट भाई तुम चिंता मत कर, बुराई चाहे जितनी भी ऊंची उड़ान भर ले, लेकिन अच्छाई उसे पिंजरे में कैद करके ही रहती। मैं भी देखती हूँ बालवीर कि इस बार तुम मुझे बुराई की उड़ान भरने से कैसे रोकते हो। इस बार मैं बुराई के ऐसे पंख फैलाऊंगी कि अच्छाई की आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। नटखट परे, नटखट परे, हो कहा आप नटखट परे? चेहरा सुंदर बनाने वाला लेप, हाँ, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी, जरूर इसे लगाने से होती है परिया सुंदर। लेकिन मुझे है क्या जरूरत इसकी, हूँ मैं तो पहले से बहुत खूबसूरत, लेकिन और थोड़ा खूबसूरत होने में है क्या हर्ज? खुशबू, अब दिख रहा हूंगा मैं परियों से भी सुंदर। वाह, अब हो जाता मैं बाहर, अरे देख के मेरा ये सुंदर चेहरा जल उठेंगे सब। ए, क्या देख रहे हो? लग रहा हूं ना मैं सुंदर? क्यों रहे तुम मुझ पे? वो लग रहा है ना मैं सुंदर? सुंदर, अति सुंदर। ये तारीफ या ताना? ताना है जलते तुम सब मुझ पे। लो आ गई परिया, पूछता उनसे। क्यों परियो, वो लग रहा ना मैं आपसे भी सुंदर? आप सब भी मुझ पे? पर क्यों? रुको डुबा डुबा एक, ये लो इसमें अपना चेहरा देखो। नटखट परे हो गई मेरी शक्ल ऐसी कैसे? कीजिए कुछ नटखट परे, कीजिए कुछ। पहले तुम ये बताओ डुबा डुबाए, ये सब कुछ हुआ कैसे? नटखट परे जरा आएंगे वहाँ, है करनी वार्तालाप आपसे। आइए, चलो आइए आइए। वो क्या है ना नटखट परी, दरअसल है किया मैंने उपयोग आपके चेहरा सुंदर बनाने वाले लेप का। ये
तुम्हें ऐसे बिना जाने मेरी प्रयोगशाला में से किसी भी चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए। हो गई गलती मुझसे नटखट परी, मुंह में पकड़ता अपने कान, हो गई गलती, कीजिए मुझे माफ, कीजिए कुछ नटखट परी, कीजिए कुछ। मुश्किल है डूबा डूबा ए। हाँ वो क्या है ना, मैंने मैंने अभी तक इस लेप का पूरी तरह से परीक्षण नहीं किया है, तो तो नटखट परे तो क्या रहूंगा मैं ऐसे ही। मैं कोशिश करती हूँ। शुक्रिया नटखट परे। गया बदल मेरा चेहरा? हाँ, 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 बिल्कुल बिल्कुल बदल गया। अच्छा जरा देखो तो। या क्या आपने मेरे चेहरे का हाल अटका दी परी? कीजिए एक काम, आप कर दीजिए ये मेरा चेहरा ठीक फिर से। ठीक है कोशिश करती हूँ। विचार परी कीजिए आप कोई जादू, कर दीजिए मेरा चेहरा फिर से ठीक। मेरे विचार शक्ति से तुम्हें दर्द भी हो सकता है। ऐसे चेहरे के साथ घूमने से तो है अच्छा दर्द सही ना। विचार परी वो मैं जानता, कर रही आप सब मजाक मेरे साथ। अभी जाता हूँ बाल परी के पास और करता आप सबकी शिकायत, वही करेगी आप सबको ठीक और मुझे भी। अभी जाता हूँ। अरे डूबा डूबा ए, अरे अरे रुकिए। मोंटू। मोंटू चुप क्यों हंसो? आप पैसे नहीं मानो बेहद, लेकिन बस हमें हमेशा तो ऐसी आप पर ही आती है। चुप मानो 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 तो ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, पर अब मोंटू ठीक नहीं रहेगा। अच्छा हुआ मानो तूने इसे रोक लिया, वरना बॉस को यहाँ से जाना पड़ता। मतलब आज बल्लू का बुरा हाल हो जाता। मानो शायद से तुम भूल गए, तुम्हें स्कूल में जाते वक्त मुझे पूरा भला कहकर जाना था। हाँ क्योंकि जब तक बॉस की सुबह सुबह इंसल्ट नहीं होती उनका पेट नहीं भरता। चुप, तो मानो की टिफिन की बात कर रहा था। मानो शायद से तुम भूल गए मैं मुझे टिफिन देकर जाना था। वाह बस वाह, पहली बार आपने समझदारी की बात की है। समझदारी की बात है ना, समझदार जैसे मानो का टिफिन लेकर आओ। ओके बस। खबरदार रोहित केवल, अगर मानव का टिफिन लिया तो पीट दूंगी, समझे? वेरी बैड यस वेरी बैड, लगता है तुम्हें तुम्हारे मम्मी पप्पा ने सिखाया नहीं। मोंटू दे छोड़ दे। मोंटू मानो का टिफिन वापस कर दे वरना 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 ही बोलेगा क्या? कुछ तो बोल वरना। रुक जा बल्लू, मोंटू ने मेरा टिफिन लिया तो मैं खुद उससे अपना टिफिन वापस लूंगा। बल्लू झुक कर मुझे मेरा टिफिन वापस करेगा। ओए ये मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी है ना,
आज तक किसी के सामने झुका नहीं है और ना ही झुकेगा। ये मोटे है ना, इसलिए उनका पेट बीच में आ जाता है। बोल मोंटू, मुझे मेरा टिफिन वापस देता है या नहीं? टिफिन चाहिए? अकल ले ले, ले। छोड़ो, पक्का। बाल परे, क्या हुआ डुबा डुबा? हंस लीजिए, आप भी मुझ पे बाल परे हंस लीजिए। अरे लेकिन हम पूछ रहे कि आपके चेहरे की ये हालत किसने बनाई? इन सब परियों ने है किया मेरा ये हाल। डुबा डुबा, हम तो तुम्हारी मदद कर रहे थे। मदद की थी। बल्कि बाल परी, डूबा डूबा एक ने मुझसे बिना पूछे मेरी प्रयोगशाला में से मेरे बनाए हुए सुंदर बनाने वाले लेप का उपयोग किया, इसीलिए इसका ये हाल हुआ है। तो मांग ली थी ना मैंने उसकी भी माफी। हाँ, क्योंकि गलती तुमने की है डूबा डूबा। अच्छा है, ठीक हूँ, मांगता मैं आपसे माफी फिर से। ये लो, कीजिए मुझे माफ, कीजिए मुझे माफ, कीजिए। बहुत होगी माफी। और परियो, माना कि डूबा डूबा एक से गलती हुई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप सब मिलकर उसे इतना परेशान करो। डूबा डूबा एक हमारी कितनी मदद करते हैं, तो अगर वो परिलोक में नहीं होते तो परिलोक का एक भी काम ठीक से नहीं हो पाता। हाँ बाल परी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसीलिए तो हम डूबा डूबा एक से इतना प्यार करते हैं और इसीलिए कभी कभी शरारत भी कर लेते हैं। अच्छा तो बदल दीजिए आप फिर से मुझे। हाँ हाँ, अभी कर लेते हैं। शुक्रिया बालपरी, शुक्रिया। डूबा डूबा एक, आप बिल्कुल सही समय पर आ गए यहाँ। क्यों, था कोई जरूरी कार्य मुझसे आपको? हाँ, बहुत जरूरी कार्य है और उस कार्य को पूरा करने के लिए आपको अभी इसी वक्त जीवन लोक जाना होगा। जीवन लोक? जीवन लोक? जीवन लोक वो लोक है विचित्र गुप्त जी जीवन आत्मा भेजते हैं। विचित्र गुप्त जी, है ये कौन? जैसे ही ये जीवन आत्मा हमें समा जाती है, हमारा जीवन शुरू होता है। अच्छा, लेकिन होती कैसी है जीवन आत्मा? लेकिन बाल परी, है अगर हम सब में जीवन आत्मा तो फिर होता क्यों है हमारा अंत? क्योंकि विचित्र गुप्त जी पहले से ही हर जीवन आत्मा में जन्म और अंत की तारीख डाल देते हैं, इसलिए बिल्कुल सही समय पर सबका जन्म होता है और अंत भी। यानी है सबका आना और जाना पहले से ही तय? हाँ डूबा डूबा। लेकिन बाल परी, अगर किसी के अंदर एक ऐसी जीवन आत्मा समा जाए जिसमें अंत होने की कोई तारीख ही ना पड़ी, तो वो अमर हो जाएगा, उसका अंत ही नहीं होगा। ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। अगर बिना तारीख पड़े जीवन आत्मा किसी बुरी शक्ति के हाथ लग गई तो सच्चाई और अच्छाई का नामो निशान मिटा देगी। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने अटका। जीवन लोक एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जहाँ जीवन रहता है, इसलिए जीवन लोक हमेशा एक कड़ी सुरक्षा में रहता है।
उसके इर्द गिर्द एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे कभी कोई नहीं भेज सकता। अब तो फिर अचानक डूबा डूबा एक को जीवन लोक भेजने की क्या वजह है बालपरी? जीवन लोक की सुरक्षा कवच की अवधि अब समाप्त होने जा रही है, इसलिए हम डूबा डूबा एक को जीवन लोक भेज रहे हैं उस कवच को बदलने के लिए। डूबा डूबा एक यहाँ आई। जी बालपन जी। इस संदूक को आप संभाल के रखिए, इसे आपको विचित्र गुप्त जी को देना होगा। लेकिन बालपरी है ये क्या? ये प्रवेश पत्र है, इसे जीवन लोक के द्वार पर दिखाने के बाद ही आपको जीवन लोक में प्रवेश मिलेगा। इसे आप अपने साथ ही रखिएगा। बालपरी, इस सुरक्षा कवच को भेजने से पहले क्या हमें इसकी जांच नहीं करनी चाहिए? ठीक है, जांच कर लेते हैं। ये सुरक्षा कवच तो काम ही नहीं कर रहा है बालपरी। हाँ बालपरी, अब क्या होगा बालपरी? ये सुरक्षा कवच अचानक शुरू कैसे हो गया? ये सुरक्षा कवच अचानक शुरू नहीं हुआ है, इसे शुरू होने के लिए कम से कम 1 मिनट का समय लगता ही है। 1 मिनट? हाँ भयंकर परी, वही 1 मिनट जब जीवन लोक में सुरक्षा कवच नहीं होगा। काफी होगा मेरे लिए वहां जाकर जीवन आत्माओं को चुराने के लिए। मैं जानती हूँ भयंकर परी, ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें आम जीवन आत्माओं को नहीं चुराना, बल्कि हमें वो जीवन आत्माएं चुरानी है जिन पे विचित्र गुप्त ने अभी तक उनके अंत की तारीख नहीं डाली, क्योंकि सिर्फ वही जीवन आत्माएं हैं जिन्हें हम अपने शरीर के अंदर समाकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो सकते हैं। और फिर हम अमर होकर बालवीर और परियों को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। इस बार सच्चाई घुटने टेके की बुराई की आगे और जीत हमारी होगी। चल 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 मोंटू, मोंटू तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मोंटू मैं चाहूं तो अपना टिफिन खुद उठा सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा था ना कि तू खुद मुझे अपना टिफिन वापस देगा। ए, ये मोंटू जो चीज लेता है ना वो वापस कभी नहीं देता। अच्छा तो अभी देख लेते हैं। बोल मोंटू, मुझे मेरा टिफिन देता है या नहीं? नहीं। अच्छा नहीं मानो, मानो नहीं, मानो आई एम सॉरी। नहीं मानो, मानो नहीं। ये तो सपना था, पर फिर भी मजा आया। मोंटू को सपने में तो मारा, चखे मारी थी मैंने। या
क्या पंच मारा था मैंने। ये अपन सपने में ही ठीक है बाबा। आ रहा है मुझे बहुत मजा। रहा ये जीवन लोक, अब हो जाता मैं इसके अंदर। ए दरवाजे, हे भेजा मुझे बाल परी ने, तो फिर क्यों नहीं खुल रहा तू? अरे है मेरी ही गलती, चाहिए था दिखाना मुझे ये प्रवेश पत्र, नहीं दिखाता अभी मैं इसे। सात द्वार, अरे वाह, है यहाँ की सुरक्षा बहुत कड़ी। पहुंच गए हम जीवन लोग। अब जैसे ही सुरक्षा कवच हटेगा मैं अंदर घुस जाऊंगा। अब मुझे और मेरे संगीत को अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं। बापूजी सारे आ गए। ये क्या है बापूजी? हवाई जहाज, इसे उड़ाना है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हारमोनियम आप घर क्यों लाए हैं? क्योंकि मैंने तय किया है कि अब मैं संगीत सीखूंगा। बोलो बोलो। नहीं बेटा जाओ। क्यों? क्या? क्या? क्या क्या बात है बाबूजी, अब इस उम्र में आप संगीत सीखेंगे कितनी अच्छी बात है ना। बेटा मेरा ऐसा मानना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हाँ हम बुढ़ापे में भी कुछ भी सीख सकते हैं। दादाजी आपने क्या सीखा? डिस्को, सांबा या रॉक एंड रोल। हाँ ये सब क्या है? मैं तो शास्त्रीय संगीत गाता हूँ, कितना मीठा होता है। गुलाब जामुन? ये नहीं, शास्त्रीय संगीत। अच्छा तो फिर दिखाइए अपना गाना वाना, दिखाइए। तुम्हें हवा दिखती है? नहीं। वैसे ही गाना दिखता नहीं, उसे सुनना पड़ता है। बाबूजी 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 मुझे गाना दिखता है। वो कैसे? टीवी पे। दादाजी हमें भी सुनना है आपका गाना। ठीक है तो सब स्थान ग्रहण करो। क्या? अरे बैठो। सारे गा
सारे जीवन लोक तो बड़ा सुंदर और आधुनिक और ये यहाँ पर हर चीज बिल्कुल अपने आप। लेकिन कहा था मुझे बाल परी ने कि मिलेंगे यहाँ मुझे विचित्र रूप जी, तो है कहाँ वो? रुक जाओ, रुक जाओ, मुझसे बच नहीं सकते। रुक जाओ। ये विचित्र रूप जी है, क्यों भाग रहे इस तरह उसके पीछे? तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। आओ 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 आओ, पकड़ो 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 पकड़ो। रुको रुको, बहुत नटखट हो गए हो तुम। अच्छा और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कर क्या रही है विचित्र रूप जी? रुको डुबा, एक पहले हो जाने दो इनकी भागदौड़ खत्म, फिर करते हैं वार्तालाप शांति से। रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। नहीं नहीं, मैं कहता हूँ रुक जाओ। बचो डुबा डुबा, रुक जाओ। चल परी, कब खुलेगा हमारी किस्मत का दरवाजा? बस अब तैयार रहो, किसी भी वक्त जीवन लोक से सुरक्षा कवच हट सकता है। और हाँ, याद रहे, ये हमारा पहला और आखिरी मौका है जीवन लोक जाने का और वहां से बिना तारीख पड़ी हुई आत्मा को चुराने का। इसलिए इस बार मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, क्योंकि बुराई को अमर बनाने का ये मौका मैं नहीं गंवाना चाहती। जैसे ही हमारी बुराई अमर होगी, वैसे ही बालवीर की अच्छाई का अंत हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। छल छल ल ल ल, छल छल ल ल छल। आ, खुश रहो चित्रगुप्त जी। तुम ठीक तो हो डुबा डुबा एक? हाँ हूँ मैं ठीक चित्रगुप्त जी, लेकिन क्या मिली आपको वो चीज जिसे पकड़ने की कर रहे थे आप कोशिश? मिल गई डुबा डुबा एक। ये रही वो जीवन आत्मा, और बार बार ये जीवन लोक से भागने की कोशिश कर रही थी। अब इसको इसी कांच के कवच में रहना होगा, अब इसकी यही सजा है। भगवान बचाए महंगाई से, इतना सा फूल गोभी 50 रुपए का है। दिल्ली में सब्जी सस्ती हुई। बाबूजी संभालिए संभालिए बाबूजी। हाँ बदलने ही जा रहा हूँ। क्या आपके संगीत सीखने का ख्याल? नहीं, मैं चश्मे बदलने जा रहा हूँ। बाबूजी जरूरत नहीं उसकी, मैं आपका चश्मा लेके आया हूँ। अरे वाह वाह वाह, तो खुश बाबूजी? हाँ खुश खुश। तो फिर हमें आपका संगीत सुना के दुखी क्यों कर रहे? इसी बात पे याद आया, मैंने एक नई धुन बनाई है। नई में ये है कि मेरी साधना के बारे में जानते नहीं हो, तुम लोग मेरे संगीत का अपमान कर रहे हो, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरे संगीत की ताकत क्या है।
नहीं नहीं बाबूजी, जब से आपने चश्मे के कांच तोड़े हैं ना, तब से हमें पता चल गया कि संगीत की ताकत क्या होती है। होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। देखो अभी मैं क्या गाऊंगा। क्या गाऊंगे बापू जी? बताता हूँ, सुन बेटा। हाँ? मैं आज क्या गाने वाला हूँ? क्या गाएंगे आप बापू जी? राग गर्मी। जैसे तानसेन ने राग दीपक गा के दीप जलाए थे, उसी तरह मैं राग गर्मी गा के सारे घर में गर्मी गर्मी ला दूंगा। सच्ची? सुनो सुनो सुनो। कहिए। गा 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 गर्मी। अब ठीक से रहना जीवन आत्मा, जब तक तुम पर तारीख नहीं लग जाती, और अगर दोबारा तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ कैद करके रख लूंगा। हाँ, चाहिए सुननी हमें हमेशा बड़ों की बातें, आखिर कहते हैं वो ये सब हमारी भलाई के लिए। तो तुम सुनो ना, मुझे क्यों कह रहे हो? डुबा डुबा एक, ये बहुत शैतान है, ये चुप नहीं बैठने वाला। तुम सचमुच हो बड़ी शैतान जीवन आत्मा। और वैसे है क्यों भागना तुम्हें यहाँ से, जबकि तुम्हें खुद ही भेजा जाएगा यहाँ से। हाँ भेजा जाएगा, लेकिन सिर्फ एक ही जगह ना, जबकि मैं तो घूमना चाहता हूँ तीनों लोग। नहीं नहीं जीवन आत्मा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम सिर्फ जीवन लोक में ही जाओगे, इसके अलावा कहीं नहीं जाओगे तुम। हाँ है ये सौभाग्य प्राप्त सिर्फ परियों को और डुबा डुबा एक को ही, जो जाता है परीलोक में भी, पृथ्वी लोक में भी, और बालवीर के साथ दूसरे लोकों में भी। अरे कर ले जो चाहे करना, लेकिन है ये खुशनसीबी मिली सिर्फ और सिर्फ डुबा डुबा एक को ही, जो परीलोक में लड्डुओं का आनंद ही लेता है और पृथ्वीलोक में हिमक्रीम का भी। हाँ हाँ देखते रहना, मैं भी ऐसा ही करूँगा। हैं? अब चुप करो, अपने ऊपर तारीख लगने की बारी आने का इंतजार करो। विचित्र रूप जी, है देखा मैंने यहाँ कि है यहाँ की सुरक्षा बहुत कड़ी, और रख रहे आप भी ध्यान कि हर जीवन आत्मा पे तारीख जरूर पड़े। हाँ डुबा डुबा एक, हर जीवन आत्मा में तारीख पड़ना बहुत जरूरी है। हा? अगर बिना तारीख पड़े वो किसी में समा जाए तो वो अमर हो जाएगा। अरे वाह, उससे तो आएगा उसे और भी मजा। पर वो बन जाएगी दूसरों के लिए सजा। अगर वो किसी गलत इंसान या बुरी परी के अंदर चली गई तो अनर्थ होगा, बल्कि ऐसा अनर्थ होगा कि पृथ्वी लोक पर बच्चे और परी लोक पर परियां मेरे बुराई के संगीत से कांपेंगी। कुछ ही देर में जीवन लोक का सुरक्षा कवच उठ जाएगा, और उसके उठते ही मेरे अमर होने का सपना हमेशा हमेशा के लिए पूरा हो जाएगा। कुछ ही देर में जीवन लोक का सुरक्षा कवच उठ जाएगा, और उसके उठते ही मेरे अमर होने का सपना हमेशा हमेशा के लिए पूरा हो जाएगा। दगड़दुम दगड़दुम दगड़दुम। लेकिन चल परी, आपको कैसे पता चलेगा कि सुरक्षा कवच हट गया है? हाँ ऐसे, इसे पहनकर सुरक्षा कवच के हटने का पता चल जाएगा। ये लो। इसे गोबा गोबा को दो। गोबा गोबा, तुम इसके जरिए सुरक्षा कवच को हटते हुए देख पाओगे।
दुबट भए नया सुरक्षा कवच तैयार रखना। पुराना सुरक्षा कवच अब हट नहीं वाला। जी डुबा डुबा एक नया सुरक्षा कवच लाओ। ये लीजिए। जीवन लोक का सुरक्षा कवच अब पूरी तरह हट चुका है। अब वक्त आ गया है कि मैं अंदर जाऊं और विचित्र गुप्त पर हमला करकर जीवन आत्माओं को अपने कब्जे में कर लूं। तैयार हो जाओ विचित्र गुप्त, बुराई के सुरों की रानी छल परी आ रही। अब मैं बन जाती हूँ लोहे का गोला, ताकि टकरा कर मुझसे टूट जाए जीवन लोक का मजबूत द्वार। नहीं, छल परी है लगता मुझे, बन जाइए आप आग का गोला, ताकि टूटे भी नहीं और पिघल भी जाइए दीवार। दगड़ धूम। नहीं, छल परी आप अग्निमुखी विस्फोटक यंत्र बनिए। विचित्र गुप्त जी, हो नहीं रहा सूर्य सुरक्षा कवच, कीजिए कुछ। डुबा डुबा एक, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वहां देखो, एक मिनट के बाद ये खुद ही शुरू हो जाएगा। अरे हाँ, बताया था मुझे बालपुरी ने। लेकिन विचित्र गुप्त जी, इस एक मिनट में क्या जा नहीं सकते बाहर कोई जीवन आत्मा, या फिर आ नहीं सकती बाहर से कोई बुरी शक्ति? एक मिनट बहुत कम समय होता है, और इस एक मिनट में जीवन लोक को कोई खतरा नहीं। वैसे भी ये सुरक्षा कवच कई सौ सालों के बाद हटता है, और ये कब हटता है किसी को नहीं पता, इसलिए सुरक्षित। गर्मी हो रही है। अरे बाप रे, कमरे में इतनी गर्मी है कि पसीना पसीना हो गया। ये देखो, अरे इतनी गर्मी है कि फ्रिज पर बर्फ पिघल गई है, अब छाछ कैसे बनाऊं? हां रे मां, इतनी गर्मी है, ये गर्मी की वजह से दो मिनट पूजा पाठ भी नहीं हो पा रहा है। देखा मेरा राग गर्मी का कमाल। गगर मर गर्मी, गर्मी बढ़ रही है, पसीना आ रहा है ना मुझे ना। देखा राग गर्मी का कमाल, देखा सारे घर में गर्मी आ रही है। ओ बापूजी, आपको क्या लगता है आपके गर्मी राग गाने की वजह से ये गर्मी हो रही है? अरे नहीं बापूजी, आपके गर्मी राग की वजह से गर्मी नहीं हो रही है। अरे लाइट चली गई इसलिए गर्मी हो रही है। क्या हा? आप खड़े क्या है, जाइए ना इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए। हमें जा जा जा। बाबूजी, हो सकता है कि मेरे राग गर्मी की वजह से बिजली चली गई हो। तुझे राग बिजली सुना? नहीं बाबूजी, मैं जा रहा हूँ। तुम दोनों की बहस में एक मिनट का समय गुजर जाएगा और मैं जीवन आत्माओं को अपने कब्जे में भी नहीं कर पाऊंगी, और ये मेरा आखिरी मौका है, इसीलिए मैं आग का गोला बनूंगी।
विचित्र रूप जी, है ये कैसा झटका? शायद सुरक्षा कवच के शुरू होने की वजह से लगा होगा। हाँ, है फिल्टिक। विचित्र रूप जी, हो गया मेरा कार्य पूरा। दीजिए मुझे आज्ञा जीवन लोक से जाने की। जाओ डुबा डुबा एक, बाल परी को मेरी तरफ से धन्यवाद कहना और बालवीर को कहना कि वो मुझसे आकर मिले। जी जरूर। क्षमा चल परी, क्षमा। क्या क्षमा? तुम दोनों की वजह से मैं अंदर नहीं जा पाई। बहुत कड़ी सजा मिलेगी तुम्हें इसकी। माना हुई है गलती हमसे, माना, लेकिन सुरक्षा कवच के होते हुए जा सकता है वो डूबा डूबा एक, मामूली डूबा डूबा एक अंदर, तो आप क्यों नहीं जा सकती वहाँ? बोलिए। क्योंकि वो सच्चाई का साथी है। सच्चाई का साथी, और जरूर परियों ने उसे कोई प्रवेश चिन्ह दिया होगा जिसे देखकर जीवन लोक का द्वार अपने आप खुल गया। कड़दुम तगड़दुम कड़दुम कड़दुम। लेकिन चल परी, आप भी पा सकती हो प्रवेश चिन्ह। बात तो सही कही है तुमने गोबा गोबा, भले ही जीवन लोक पे सुरक्षा कवच फिर से लग गया, लेकिन मैं परीलोक जाकर प्रवेश चिन्ह तो पा ही सकती हूँ। अब मैं परीलोक जाकर प्रवेश चिन्ह लाऊंगी और बिना तारीख पड़ी हुई जीवन आत्माओं को यहाँ से हासिल करके ले जाऊं। अब ऐसे ही बातें करती रहेगी या फिर मतलब हो जाएगी देर? आपको जाना होगा परीलोक प्रवेश चिन्ह पाने के लिए। ये घर वाले है? ये घर वाले समझते क्या है? मुझे संगीत नहीं आता। हाँ, मैंने मतलब हाँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या गाना? नहीं, ऐसा कैसे घर वाले सोच सकते हैं कि आपको गाना गाना नहीं आता? हाँ, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि क्या गाना गाना छोड़ देंगे? नहीं, गाना कैसे छोड़ता हूँ? गाना गाने से तो मुझे खुशी मिलती है, तो दूसरों को दर्द है। नहीं बाबूजी, मैं कह रहा था कि कहीं बैठते बैठते यही बैठते। हाँ, यहाँ बैठते। आजा बेटा। हाँ बाबूजी, ये लीजिए बाबूजी। बेटा, घर वाले भले ऐसा समझते हो कि बिजली जाने की वजह से गर्मी आई, लेकिन आज यहाँ पे मैं राग बारिश गाऊं जिससे यहाँ पे बारिश हो। बाबूजी, तो फिर क्या वो कोल्ड ड्रिंक बरसाने वाला राग गाएंगे? मुझे बहुत प्यास लग रही है। बेटा अभी है ना, तुम मेरे संगीत से अपनी प्यास बुझाओ। ठीक है। बेटा बा घर पे है। बूंदे बारिश। अब ये क्या है? बिजली। बूंदे बदले बारिश हो रही है। हाँ बाबूजी, बारिश हो रही है। राग बारिश का कमाल देखा। जी, ये बारिश सिर्फ हम दोनों में क्यों हो रही है? क्योंकि बाराग बारिश हम गा रहे हैं। बारिश Ha ha ha.
मोंटू जी, मोंटू जी, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। ठीक है, अब मैं तुम्हें इस कलर के डिब्बे के अंदर डुबाऊंगा और फिर मैं कहूंगा सॉरी मानो, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। पकड़ो उसे। अरे, अरे। जितना भागना है भाग ले मानव, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मानव रुक रुक रुक, महेश अब रुकने का वक्त नहीं है क्योंकि मोंटू मेरे पीछे पड़ा है। क्या हुआ? मैं तुझे बाद में बताता हूँ, चल चल। अरे पर मानव, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं था। क्या आपका संगीत? नहीं, मुझ पर पानी गिरना। मैं तो कहती हूँ मिट्टी डालो। किस पे? बापूजी पे? नहीं नहीं, वो उस पे। आप भी ना, आप पर इतनी बारिश गिरी फिर भी आपका संगीत का नशा उतरा नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, ऊपर से मेरा जज्बा और भी बढ़ गया है संगीत सीखने का, क्योंकि मगर वो नटखट जीवन आत्मा अभी तक सामने नहीं आई जो बार बार यहाँ से भागने की कोशिश कर रही। ये तो उस कवच का कांच है जिसके अंदर मैंने नटखट आत्मा को रखा था। अगर वो कवच टूट चुका है तो नटखट आत्मा कहाँ है? वाह, कितना अद्भुत दृश्य है। आ रहा है मुझे बहुत मजा। शुक्रिया चुलबुली तितली, अलविदा। खुश रहो बालवीर, खुश रहो, खुश रहो परियो, खुश रहो, खुश रहो डुबाई, खुश रहो डुबा डुबाई। विचित्र गुप्त जी को सुरक्षा कवच दे आए। हाँ लगा मुझे बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही आधुनिक और भव्य है जीवन लोग, लेकिन सबसे अनोखी चीज थी वहाँ पे एक जीवन आत्मा। एक जीवन आत्मा? सिर्फ एक जीवन आत्मा क्यों? एक जीवन आत्मा इसलिए क्योंकि वही एक जीवन आत्मा कर रही थी बार बार कोशिश जीवन लोक से भागने की। ये क्या है? इससे पहले तो इसे परीलोक में कभी नहीं देखा।